देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। अयोध्या के राम मंदिर से आधिकारिक रूप से आया निमंत्रण। जैसे जैसे श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तिथि नजदीक आ रही है, पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कई देशों में उल्लास का माहौल है। अयोध्या में बने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था को आधिकारिक रूप से निमंत्रण आया है, जिसे देने के लिए विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रमुख राजेश जी, प्रखंड प्रमुख भलाराम देवासी के साथ कई लोग उपस्थित थे। श्री राम धाम अयोध्या से आए इस निमंत्रण पत्र को ब्रह्मा कुमारी संस्था के मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष बीके करुणा भाई को सौंपा गया। यह निमंत्रण पत्र बहुत ही खास है। इसमें सबसे ऊपर अनादिक निमंत्रण श्री राम धाम अयोध्या लिखा हुआ है। अंदर में श्री राम के बाल्य रूप का फोटो तथा 22 जनवरी का पूरा कार्यक्रम छपा हुआ है। इसके साथ ही एक पुस्तिका भी है जिसमें श्री राम मंदिर तथा अयोध्या का पूरा इतिहास लिखा हुआ है। इसके साथ ही मुख्य महंतों का भी विवरण दिया हुआ है। यह निमंत्रण पत्र खास तौर पर ब्रह्मा कुमारी की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय भाई तथा ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा को भी आया है। इस कार्यक्रम में मुख्यालय से बीके उषा तथा कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय शामिल होंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री से बीके सदस्यों की खास मुलाकात। हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, मिनिस्टर पी श्रीनिवास, मिनिस्टर के सुरेखा से हैदराबाद में बीके सदस्यों ने स्नेहभरी मुलाकात की। मुख्यालय से संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय भाई, हैदराबाद में शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप ने संस्था द्वारा हो रही सेवाओं की जानकारी देते हुए मुख्यालय आने का निमंत्रण दिया। अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजलि एवं अन्य बीके सदस्य भी उपस्थित रहे। जूरिस्ट विंग की नेशनल कॉन्फ्रेंस में न्याय प्रणाली में आध्यात्मिकता के समावेश पर चर्चा। लीगल एथिक्स एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द डिजिटल एज, इस विषय को लेकर संस्था के जूरिस्ट विंग द्वारा तमिलनाडु के मदुरई में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। यह आयोजन चेन्नई के डॉक्टर अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, बार एसोसिएशन ऑफ चेन्नई हाईकोर्ट मदुरई बेंच समेत ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त तत्वाधान में सम्पन्न हुआ, जिसमें करीबन 1000 जज, लॉयर्स, लीगल एनालिस्ट, लॉ स्टूडेंट्स एवं अन्य महानुभावों ने शिरकत की। मुख्य अतिथियों में मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी आर स्वामीनाथन, जस्टिस बी पुगाझेंदी, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व एक्टिंग जस्टिस वी ईश्वरैया, जस्टिस डॉक्टर एस विमला, ओडिशा ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन जस्टिस शत्रुघ्न पुजहारी समेत अन्य विशिष्ट पदाधिकारियों ने विषय के तहत अपने विचार रखे। 5000 years ago, 4000 years ago, a golden age, a peaceful age, no, where there was no vices are existing, and how it has been degraded, and there was a enormous fall down, and again we are developing technologically, scientifically, spiritually, legally, ethically, morally, and we should again create and establish such an harmonious society which is intended, which is aimed in our constitution. Brahma Kumari is the one ethics which is applicable more for legal profession and the judges. Aista bolo, means speak slow, speak with pace and speak with sweetness. It can be advantageous for the lawyer, so also advantageous for your client, so also the lawyers, so also the advocates. This is the first ethic we must learn. आगे जूरिस्ट विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके लता अग्रवाल, तमिलनाडु जोन की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके बीना, मुंबई से मनोचिकित्सक विशेषज्ञ बीके डॉक्टर गिरीश पटेल, मुख्यालय से बीके पांड्यामणि, बीके जयकुमार, डॉक्टर सुरेश कुमार मुर्गेसन ने भी अपने दिल के भाव रखते हुए न्याय प्रणाली में आध्यात्मिकता के समावेश पर चर्चा की। So humble request, I end here that from now onwards, make this true change of your sight and you will become happy in your life. There will be peace, there will be love in your life. To say legal profession is a very noble profession. All the people in society look upon to all of us as guardians of justice and the Constitution of India.
we are the givers of justice to the common man also. So let's give a big applause for all of you present here. Because you are the lawmakers, you are the protectors of law, you are the helpers of common man in society who can get according to the constitution. आध्यात्मिकता के पथ पर जीवन उत्सव इस विषय के तहत इंदौर के ज्ञान शिखर में 5 दिवसीय शिविर का आयोजन हुआ, जिसे मुंबई से आए अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेसर बीके ईवी गिरीश ने संबोधित किया। उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि जो भी बीमारी या अहित होने की शंका से भयभीत है, उसे सबसे बड़ा भय मृत्यु का होता है। अतः सभी चिंताओं और भय से मुक्त होने के लिए आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाना अति आवश्यक है। मानव जीवन अनिश्चितताओं का खेल है, लाइफ इज अनसर्टेन। हम प्लान कर सकते हैं, हम अच्छा बनाने की कोशिश कर सकते हैं, आज से बेहतर बनाने का पूरा ऑर्गेनाइज कर लीजिए, गारंटी नहीं है, करेक्ट। जीवन अनिश्चितताओं का खेल है, लाइफ अनसर्टेन है। अवसर पर नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर अभय राजन गांवकर एवं एडिशनल कमिश्नर तथा सिटी ट्रांसपोर्ट के सीईओ मनोज पाठक, इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता, वरिष्ठ राज्योग शिक्षिका बीके अनीता एवं बीके उषा ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। अपनी शुभकामनाएं देते हुए अतिथियों ने कहा कि यहां आकर हमें महसूस हो रहा है कि शहर को स्वच्छ बनाने के साथ साथ हमें अपने मन को भी स्वच्छ बनाना आवश्यक है। हम लोग उसी तरह के स्ट्रेस में रहते हैं जो आपने बताया, और हमारा भी 18-19 हजार लोगों का परिवार है। हम लोग 19 हजार करीब, 18 हजार हमारा स्टाफ है जो शहर के लिए काम करते हैं, अच्छा बुरा जैसा भी करते हैं, आपके सामने हैं। और उन सबको भी ये सब बहुत जरूरत है शांति की, बहुत तनाव में रहते हैं। आज उसका हमको रास्ता मिला है। हम कोई प्रयास करेंगे कि हम अपने लोगों को इससे कैसे जोड़ पाएं। और बहुत बहुत सबको धन्यवाद। भाई गिरीश जी के माध्यम से यहाँ हम उनके एक मेडिटेशन प्रोसेस और उन सब चीज़ों को, शहर को हम लोग साफ करने के लिए तो लगे ही रहते हैं, लेकिन जैसा कि बताया कि अंदर की क्लीनिंग भी आवश्यक है, और मेडिटेट होके, कंसंट्रेट होके, और हम अच्छी नई ऊर्जा के साथ इंदौर शहरवासियों के लिए कुछ कर पाएं, जिस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। यह कारागृह नहीं बल्कि सुधार गृह है। अपनी बुरी आदतों को परिवर्तन करने हेतु एक तपोस्थली है। इस कारागृह को सभी संस्कार परिवर्तन का केंद्र बना लो। यह बात कही मुख्यालय से वरिष्ठ राज्योग शिक्षक बीके भगवान ने, जो हाल ही में मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम स्थित केंद्रीय कारागृह में कैदी भाइयों को संबोधित कर रहे थे। दरअसल स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा जेल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका विषय रहा अपराध मुक्त जीवन हेतु सकारात्मक चिंतन। सुधार गृह एक कारागार नहीं, लेकिन एक तपोस्थली। इसी तपोस्थली के अंदर बैठ बैठ के आपको तपस्या करनी है, चिंतन करना है, क्या मैं कौन हूं। इसीलिए फिर से हमें अपने जीवन को सकारात्मक बनाना है, अनमोल बनाना है। इसके लिए अपने कर्मों में सुधार लाने की जरूरत है। ये कार्यक्रम में रसूलिया सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता, जेल अधीक्षक संतोष सोलंकी, नारायणपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तुलसा, जेल उपाधीक्षक हितेश बंदिया, सहायक जेल अधीक्षक ऋतुराज धांगी समेत कई विशिष्ट लोगों की मौजूदगी रही। अवसर पर सभी कैदी भाइयों ने व्यसन मुक्ति एवं स्व सशक्तिकरण की प्रतिज्ञा ली। इंटरनेशनल लायंस क्लब एवं ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सूरत के पर्वत सेवा केंद्र पर विशेष VIPs के स्नेह मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता के तौर पर लंदन से वरिष्ठ राज्योग शिक्षिका बीके गोपी ने सभा को संबोधित किया। अवसर पर लायंस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सिमरन कौर, लॉर्ड कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल के ट्रस्टी हरीश भट्टी, ज्ञान ज्योत विद्यालय के ट्रस्टी लालजी नकुम समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अतिथियों द्वारा शॉल उड़ाकर बीके गोपी को सम्मानित किया गया। पर्वत सेवा केंद्र की प्रभारी बीके संगीता के निर्देशन में हुए इस आयोजन में सूरत वराछा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके तृप्ति, बीके दामिनी भी उपस्थित रही। बीके गोपी ने अपने वक्तव्य में मन के विचारों को मजबूत बनाने के लिए पूरे दिन में बीच बीच में थोड़ा समय निकालकर स्वयं से एवं परमात्मा से बात करने की प्रेरणाएं दी। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।